आज मैं मुंबई के साठेनगर बस्ती से बोल रहा हूँ और साठेनगर बस्ती में एक अचार फैक्ट्री है और उस अचार फैक्ट्री में किस तरह अचार बनाया जाता है और लोगों तक पहुँचाया जाता है ये हम आज आपको दिखाएंगे। यह जो बड़े बड़े ड्राम है इस ड्राम में अचार रखा जाता है और इस अचार को 4 महीने तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है और इन 4 महीनों में कंपनी का कोई भी व्यक्ति आकर कंपनी की साफ सफाई पर ध्यान नहीं देता है। इस वजह से उस अचार की टाकी और ड्रम में कीड़े मकोड़े और चिपकलियां गिरकर मर जाती है और यही अचार मुंबई के स्लम एरिया में कम कीमत पर मार्केट में फेरी वाले बेचते हैं। मुझे बताइए आंटी कि ये अचार आप क्यों खरीदते हो? ये है ना थोड़ा 2 पैसे सस्ता पड़ता है वो बॉटल थोड़ा महंगा पड़ता है इसके वास्ते हम लोग ये खरीदते हैं। ये अपना बनाया हुआ है उसके अपने मसाले डाले हुए हैं है? कंपनी में अपने मसाले कैसे डाले होते हैं वो कुछ ना कुछ टेस्ट का कुछ और स्वाद आता है इसका कुछ और स्वाद आता है टेस्ट करके देखो। यहाँ पर इस प्रकार से अचार बनाया जाता है इसकी क्वालिटी क्या है इसकी जांच करने वाला कोई भी नहीं है। अचार बनाना एक लघु उद्योग है और इनके उत्पादकों की जांच करने की जिम्मेदारी खास निरीक्षक इंस्पेक्टर की होती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बस्ती के लोगों के स्वास्थ्य के साथ में कोई खिलवाड़ ना हो और इस तरीके से उत्पादकों की बिक्री पर रोक लगे और इस तरह के गैरकानूनी कंपनियों को बंद किया जाए। मेरी अपेक्षा यही है कि यहाँ के इंस्पेक्टर ने आकर इस कंपनी में जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि इस कंपनी में अच्छे क्वालिटी का अचार मिले। मुंबई मानखुर से अमोल, इंडिया अनहर्ड के लिए।